को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान से बवाल मच गया है। गोवा विधानसभा में दिए गए मनोहर पर्रिकर के राज्य में बीफ की कमी न होने देने पर वाले बयान पर वीएचपी उनका इस्तीफा तक मांग रही है। Which basically talks about free sir. movement speaker of speaker sir. beef. Speaker sir, yes, Goa meat complex. Sir, the beef issue can be taken later on. Sir, the beef issue can be taken later on. And slaughter the 10 minutes discussion jauchi na. The option of getting the beef from Belgaum or some other place. थ्रू प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स और दोज हु आर ऑथराइज्ड फॉर इट रादर देन बाय सम अदर पर्सन। पर्रिकर के इस बयान पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने ट्वीट कर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीफ एंजॉय पार्टी बन चुकी है, पार्टी की छवि को साफ करने के लिए पर्रिकर को इस्तीफा देना चाहिए। सुरेंद्र जैन ने कहा कि गोवा और कर्नाटक के अंदर गौ हत्या गैर कानूनी है, ऐसे में पर्रिकर गोवा में तो कानून तोड़ ही रहे हैं और कर्नाटक को भी कानून तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में जैन ने कहा कि गोवा के सीएम बीफ को एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं, जो शर्मनाक है। बीजेपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा में सीएम पर्रिकर ने कहा था कि गोवा में बीफ की कमी की किल्लत से बचने के लिए अन्य जगहों से भी बीफ मंगाने का विकल्प खुला है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।